हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे यूजीसी का एग्ज़ाम देते हैं एंड उनमें से कुछ हज़ार बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर सिलेक्शन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर सक्सेस. सो आज हम अपनी वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक हाउ टू ऑर्गेनाइज योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम फॉर दीज टू मंथ्स फॉर जून 2019. Hi everyone, today I'll be telling you a 2-month strategy to crack UGC NET exam which will be conducted on June 2019 this year. So my video is divided into two sections. So in the first section I'll be telling you about general things about paper 1, and in the second section I'll be telling you about all the important strategies which you need to know. आपके यूजीसी एग्ज़ाम के लिए जो जो स्ट्रैटेजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वो यहाँ बताई हैं. एंड इन द थर्ड सेक्शन आई विल बी टेलिंग यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल आ रहे हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं. तो ये तीन चीज़ों में हमारी वीडियो डिवाइडेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन. सो इन द फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ योर पेपर 1 जनरल थिंग्स. सो आप इसमें क्या देखते हैं, दैट पहला आपका जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ योर पेपर इज़ ऑब्जेक्टिव. आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि आपका पेपर होगा ऑप्शंस के फॉर्म में. आपके पास क्वेश्चंस होंगे इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे एंड आपको उन ऑप्शन में जो मेन पॉइंट है, जो आपका सही आंसर है, आपको मार्क करना है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज आपका पेपर होगा 50 क्वेश्चंस मार्क्स का. आपके इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे. पहले क्या होता था कि आपके पास 60 क्वेश्चंस हुआ करते थे, आपको उनमें से कोई भी 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते थे, बट नाउ यू हैव ओनली 50 क्वेश्चंस विच आर कंपल्सरी एंड आपके इसमें 100 मार्क्स मिलते हैं. तो आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस एंड आपके इसमें 100 मार्क्स बनते हैं. कैसे बनते हैं, ईच क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का. देन कम्स दिस पॉइंट दैट इट इज़ नॉट क्वालिफाइंग. आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं है, उसके मार्क्स आपके पेपर 2 के साथ ऐड होते हैं, जहाँ से आपका उनको मिला के परसेंटेज बनता है कि आपने क्रैक किया है एग्ज़ाम या नहीं किया है. तो जो आपका पेपर 1 है उसके मार्क्स आपके ऐड होंगे आपके पेपर 2 में. तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है. उसके बाद आपको आता है कि आपके एग्ज़ाम में 10 सेक्शंस हैं. डोंट फॉरगेट कि आपके एग्ज़ाम में 10 सेक्शंस हैं. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है. लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपसे पूछा गया है लर्निंग प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. अगर आपसे पूछा गया है रिसर्च एथिक्स, आपको पता होना चाहिए रिसर्च एथिक्स किसका पार्ट है. अगर आपसे मैथमेटिकल सीरीज पूछी गई है, आपको पता होना चाहिए ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इजीली गेस कर पाएं कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है. सो ये आपके जनरल थिंग्स जो आपको पता होना जरूरी है. देन कम्स अवर सेकेंड सेक्शन. तो हमारे सेकेंड सेक्शन में आता है स्ट्रैटेजी फॉर 2 मंथ. आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 2 मंथ के लिए, बिकॉज आपका जून में एग्जाम है 2019 जून में. तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस. आपको 10 साल का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं आपको वो पढ़ना ज़रूरी है. उन्हीं के थ्रू आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस की डेप्थ क्या है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, कितने डिफिकल्ट हैं और आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना है. आपको उनसे पता चलता है कि ये कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस की, ऐसे ऐसे आपको प्रिपेयर करना है. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आप लास्ट ईयर के पेपर्स कोई भी बुक से उठा सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, पियर्सन है, ट्रूमन है, यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. आप उन बुक्स में से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या पूछा जाता है. तो बिना प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करे क्रैक करना यूजीसी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पहले ज़रूर करें. तो आपका पहला पॉइंट यही होगा, यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप उनको कैटेगराइज पूरा कर लें कि ये यहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ का है, आपको उनसे पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा. देन कम्स योर सेकेंड पॉइंट, दैट इज फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन. हर किसी का 1 या 2 सेक्शन या 5 सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है. किसी का मैथमेटिकल सेक्शन होता है स्ट्रांग, किसी का थ्योरेटिकल सेक्शन स्ट्रांग होता है. फॉर एग्जांपल, माय इंपॉर्टेंट सेक्शन वाज टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड. मेरा जो था वो थ्योरेटिकल पार्ट था जो बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया. मे बी आपका जो है वो मैथमेटिकल हो या किसी और का, मे बी रीजनिंग पार्ट स्ट्रांग हो. तो पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा पार्ट जो है वो स्ट्रांग है. अगर आप
आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट मैथमेटिकल है, तो पहले आप वो करें प्रिपेयर ताकि आपको वो 10 मार्क्स अच्छे से मिल जाएं। अगर आपका DI स्ट्रॉन्ग है, दैट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले उसकी पूरी प्रैक्टिस करें, बिकॉज अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट से ही 50 मार्क्स ग्रैब कर लेते हैं तो बाकी के सेक्शन में से आपको 30 to 35 मार्क्स ग्रैब करने हैं टू क्रैक UGC JRF। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन सबसे पहले पढ़ें, उसमें आप फोकस रखें। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर दोज टॉपिक विच आर रिपीटिंग। हर साल ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं जो हर साल आते हैं, लाइक रिसर्च एथिक्स, टीचर स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, रिसर्च एथिक्स हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपको टिप्स में याद होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत जरूरी है जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आप उनको जरूर पढ़ के जाएं। सो क्वेश्चन, प्रिपेयर दोज टॉपिक्स विच आर रिपीटिंग, जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आपका पहला काम यही है कि आप उनको अच्छे से पढ़ें, बिकॉज आपका वहीं पर ही 60 मार्क्स या 70 मार्क्स आपके वहीं पर स्कोर हो जाते हैं, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 50% पेपर ऐसी होता है जो हमेशा सेम टॉपिक रिपीट करता है। बाइनरी क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन आपको हर साल मिलेगा, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है टू क्रैक UGC NET एग्जाम। देन कम्स योर 2 मंथ स्ट्रैटेजी, कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, हाउ टू डिवाइड योर डेज, और आपको अपने डेज डिवाइड ही ऐसे करने हैं कि जहां पर आपको दिख रहा है कि ये टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट है आपको उसको ज्यादा डेज देने, जो आपको लग रहा है ये टॉपिक ईजी है आपको उसे थोड़े कम डेज देने, देन यू कैन ईजिली मैनेज। सो नाउ इन दिस सेक्शन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर 1। सो इस सेक्शन में, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, वी विल बी टेलिंग यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आज तक एग्जाम में आए हैं। सो फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड यू हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स, एंड फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड आपको ये पढ़ने हैं, कम्युनिकेशन के लिए आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आपके UGC के एग्ज़ाम में। हर बार आपसे इन चीज़ों से क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, ये टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर ज़रूर करें। अगर आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं आप UGC NET ईजिली क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टीचिंग एप्टीट्यूड यू हैव टू स्टडी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग और एंड लर्निंग का प्रोसेस कैसा होता है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है, जो उनका प्रोसेस है, कैसे सब्जेक्ट को समझाया जाए स्टूडेंट को, ये कैसे कराया जाता है, यू हैव टू स्टडी दीज थिंग, एंड इनसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं हर साल। सो आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव टीचिंग, ये जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव पार्ट है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनसे भी क्वेश्चन आपके 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल, कि फॉर्मेटिव टीचिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, समेटिव टीचिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, तो यू नीड टू नो कि समेटिव टीचिंग जो है वो एकदम बाद में होती है, फॉर्मेटिव टीचिंग जो आपकी है वो आपकी पूरे साल चलती है, लाइक आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपके क्विज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिव टीचिंग। आपको ये चीज़ें, इनका जो कैटेगराइजेशन है, ये कौन से क्विज किस में आता है, कौन सा टेस्ट किस टाइप का टेस्ट कब आता है, आपको पता होना चाहिए। देन कम्स योर इफेक्टिव टीचिंग, कि टीचिंग कैसे इफेक्टिव करे, व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द टीचिंग एड्स। तो यहाँ पर एक आप चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, एड टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं हर साल। देन कम्स फैक्टर्स अफेक्टिव टीचिंग, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को बहुत अफेक्ट करते हैं, लाइक लर्नर का कैसा अप्रोच है टीचर को लेके, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, ऐसी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए कि जिनसे आपको पता चले वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। देन कम्स डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग में जो टाइप्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, इसके क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं ऐसे और कॉन्सेप्ट हैं। सो ये क्वेश्चन जो कुछ, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में आ रहे हैं, अगर आप लास्ट ईयर पेपर्स देखें, अगर आप कुछ पेपर देखें जो 2-3 साल पहले के हैं, आपको अब क्वेश्चंस थोड़े डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, तो आपको टीचिंग लर्निंग के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी, आपको डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपको वहाँ पर एग्जाम में एक डेफिनेशन दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे कौन सा पर्टिकुलर टर्म इस डेफिनेशन के लिए यूज होता है। सो यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स थॉरली। देन कम्स योर सेकेंड सेक्शन, दैट इज
रिसर्च एप्टीट्यूड, देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ें, ये थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना बहुत इजी है, आप इजीली समझ सकते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसमें, क्या क्या है. एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आपका हर साल आ रहा है मोस्टली, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च. टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका हर साल आता है, इसमें या तो आपसे पूछ लेंगे एक्शन रिसर्च, या फिर पूछ लेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या फिर एक्सपोज फैक्टो, या फिर अप्लाइड रिसर्च. आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वट इज़ दी अपोजिट ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. आपसे इन तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे कोई एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है डेफिनेशन में, एंड आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है. ये आपके लिए आता है मोस्टली फॉर अप्लाइड रिसर्च, फॉर एक्शन रिसर्च. तो ये चारों रिसर्च आप ज़रूर पढ़ लें, इनसे आपके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, बल्कि आपके दो क्वेश्चन बन ही जाएंगे. देन कम्स रिसर्च एथिक्स. रिसर्च एथिक्स जो आपका है टॉपिक, इससे आपका हर साल क्वेश्चन आया है. आप हर साल देखेंगे, आपको कुछ फीचर्स दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है क्या ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट है या फिर नहीं है. तो आपको एथिक्स पता होना ज़रूरी है कि एथिक्स में क्या क्या आता है. रिस्पेक्ट आ गया, अकाउंटेबिलिटी आ गया, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए. तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है. देन कम्स हाइपोथेसिस APA फॉर्मैट. APA फॉर्मैट की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आपको ये फॉर्मैट पता होना चाहिए. कब ऑथर का नाम आता है, कब बुक का नाम आता है, कब पब्लिकेशन का नाम आता है. एंड हाइपोथेसिस में भी आपको सब पता होना चाहिए कि कितने टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं. इसमें आपका नल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़िए कि उसका क्या क्या, उसमें क्या क्या होता है. नल हाइपोथेसिस का सिंबल क्या होता है, लाइक वी यूज H0 फॉर नल हाइपोथेसिस. देन कम्स योर सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स. इनके आपसे फीचर्स पूछ सकते हैं कि कौन सा फीचर वर्कशॉप का है, कौन सा नहीं है, कौन सा फीचर सेमिनार का है, नहीं है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है. देन कम्स योर PhD एंड आर्टिकल्स. आपसे कई बार आप पूछे जाने लग गए हैं कि PhD के फीचर्स क्या है, PhD में क्या क्या आता है, क्या ये पार्ट PhD का या फिर नहीं है. आपसे पूछ सकते हैं कि जो बिब्लियोग्राफी है ये किसका पार्ट है, रेफरेंसेस कौन से सेक्शन का पार्ट है, या फिर कौन सा जो इनमें से एक कैटेगरी है वो ज़्यादा फॉर्मल होता है. लास्ट ईयर आपसे एक क्वेश्चन आया तो उसका आंसर था PhD. PhD में आपका जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा फॉर्मल हो जाती है. तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है. ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं. तो रिसर्च के लिए आप जब भी पढ़ें आप ये टॉपिक्स सारे ज़रूर कवर कर लें, बिकॉज क्वेश्चन आपके इन्हीं से आएंगे. देन कम्स कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन आपका सबसे डायरेक्ट है, इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते. इसमें या तो आपसे क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपका जाता है मास कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इनके फीचर्स पढ़ने हैं कि किसका फीचर्स कौन सा है, कौन सा. एंड इसमें आपको दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 4 मार्क्स हैं आपके लिए. देन कम स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का स्टेज क्या है, इसमें भी आपको आ जाता है स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन कि उसमें कौन सा पार्ट पहले आता है, सेंडर कहाँ आएगा, रिसीवर कहाँ आएगा, बैरियर्स कहाँ आता है, मैसेज कहाँ आएगा, चैनल कहाँ आएगा. तो ये आपको चीज़ें ज़रूरी है पता होना, और यही चीज़ आपको रिसर्च में भी पता होनी चाहिए कि रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है, हाइपोथेसिस कहाँ आएगा, आप प्रॉब्लम कहाँ फाइंड करते हैं, आप डेटा एनालिसिस कहाँ करते हैं. एंड एक चीज़ आप और ऐड कर लीजिए रिसर्च में, दैट इज सैम्पल. आप सैम्पल ऐड कर सकते हैं, सैम्पलिंग ज़रूर आता है. एड वन मोर थिंग, दैट इज सैम्पलिंग. आपका सैम्पलिंग भी आता है रिसर्च में काफ़ी बार, बट ओवरऑल आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो आपका हम यहाँ पर थे कम्युनिकेशन में, स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपको पता होना चाहिए सेंडर पहले आता है, रिसीवर एकदम बाद में आता है, फीडबैक कहाँ आता है, फीडबैक सर्कुलर क्यों होता है, आपको ये पता होना चाहिए. देन कम साइंस इन कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देखिए जो आखिर के दो टॉपिक्स हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनसे आपके टॉपिक 2 साल से बल्कि 3 साल से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इनसे दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके. तो ये दो चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं आपके 8 मार्क्स पूरे हैं, बिकॉज इनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं. क्लासरूम एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
तो ये आप जरूर पढ़ लें. देन कम्स योर साइंस एंड कम्युनिकेशन. साइंस एंड कम्युनिकेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या साइंस होते हैं कम्युनिकेशन में, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है. तो अगर आप ये तीनों टॉपिक्स देखें, ये तीनों टॉपिक्स एकदम थियोरेटिकल हैं एंड थियोरेटिकल टॉपिक में आपके लिए स्कोर करना बहुत ईजी होता है बिकॉज यू नो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. और अगर आप लास्ट ईयर पेपर्स देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं. एंड आपके दिसंबर का जो अगर आप देखें प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें भी आपसे इन्हीं टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप ये क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, यू कैन ईजिली स्कोर वेल. सो योर फोर्थ सेक्शन इज कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर्स में आपके जो क्वेश्चन आते हैं दे आर ऑल्सो थियोरेटिकल. सो कम्युनिकेशन, सो कंप्यूटर्स में अगर आप देखें तो आपके जनरली क्वेश्चन जो आते हैं एक कंप्यूटर्स में आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कंप्यूटर्स एंड मेलिंग्स. बट आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड ही आते हैं. अगर आप देखें आपके 5 से 4 क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर्स में ही होंगे. तो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है कंप्यूटर्स में दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. आपसे अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है, इनमें से कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं, कौन सी नहीं है. तो आपसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं. आपको पता होना चाहिए मॉनिटर किसका पार्ट है, कीबोर्ड किसका पार्ट है, प्रिंटर्स किसका पार्ट है. देन कम्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेज. आपको पता होना चाहिए कौन सी डिवाइस सॉफ्टवेयर है, कौन सी हार्डवेयर है. इससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है लाइक दिस. देन कम्स दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स. ये आपके एग्जाम में हर साल आएंगे और हमेशा आते हैं. ये आपसे पूछे जाते हैं CPU के बारे में. व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, दे आर कॉल्ड CPU. देन कम्स राम रोम. आपसे राम रोम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में. कौन सी मेमोरी टेम्प्रेरी है, कौन सी वॉलेटाइल है. तो आपको पता होना चाहिए एंड इनका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए किसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी. देन कम्स दी IP एड्रेस. IP एड्रेस भी आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है. ये आपका नेटवर्किंग का पार्ट है. आपको पता होना चाहिए IP एड्रेस की रेंज क्या है, लाइक 255.255.255.255. उससे आगे IP एड्रेस की रेंज नहीं होती. देन कम्स दी एब्रीवेशंस पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको दे दिया जाएगा कोई एब्रीवेशन, आपको बोलेंगे उसकी फुल फॉर्म बताइए. आपको UBI दे सकते हैं, आपको कुछ भी दे सकते हैं, आपको DBS दे सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका एब्रीवेशन है और किसका आंसर क्या है. इससे आपके मोस्टली 2 क्वेश्चन बनते हैं हर साल. देन कम्स डेफिनेशंस अंडर कंप्यूटर्स. वहां पर आपको एक डेफिनेशन दे देंगे, आपको बोलेंगे 4 ऑप्शन में से ये किसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर्स में. तो इससे भी आपके 2 क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं. तो यू हैव टू नो कि कौन सी किसकी डेफिनेशन है. फायरवॉल्स किसको बोला जाता है, वायरस किसको बोला जाता है, स्पैम किसको बोला जाता है. देन कम्स योर क्वेश्चन ऑन बाइनरी. आपसे बाइनरी में भी पूछा जाता है कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे, दे विल से कि आप इसको सॉल्व करिए. तो वो आपका पार्ट होता है बाइनरी वाला. तो आपको ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है. कंप्यूटर्स में आपको यही क्वेश्चन आते हैं, आपको यही चीज़ें पढ़ के जानी है. देन कम्स योर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज दी पॉलिटी एंड एनवायरमेंट. पॉलिटी एंड एनवायरमेंट के आपके बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं. फर्स्ट इज दी एटमोसफेयर. एटमोसफेयर में आपका आता है गैसेज आ जाती हैं, आपकी लेयर्स आ जाती हैं, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, किस में क्या होता है, क्लाउड किस में होते हैं, जेट एरोप्लेन किस में जाते हैं. आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए एटमोसफेयर के बारे में सब कुछ. कौन सी गैस का कितना रेंज है, कितना वॉल्यूम है, कौन सी गैस का, हीलियम कितनी है, नियोन कितनी है, CO2 कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है. देन कम्स पोल्यूशन. पोल्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं हर साल. 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे. आपसे पूछ लिया जाएगा ये वाली गैस से क्या डिजीज़ होती है, ये वाली जो पॉल्यूटेंट है इससे क्या होता है. आपको पॉल्यूटेंट से याद करना ज़रूरी है. आपको मिथेन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आपको सल्फर डाइऑक्साइड, CO, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, एयर पोल्यूशन क्यों होता है, उनके क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं एंड पॉल्यूटेंट से कौन कौन सी डिजीज़ होती है. आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें. तो पोल्यूशन एंड एटमोसफेयर आपके फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है. देन कम्स योर नेचुरल डिजास्टर्स. इसमें लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन आया है दिसंबर में. तो आप नेचुरल डिजास्टर जरूर पढ़ लें. वॉल्केनो पढ़ के जाएं, आप अर्थक्वेक पढ़ के जाएं, ड्रॉट पढ़ के, आपको लास्ट ईयर ड्रॉट के ऊपर आया है क्वेश्चन. तो आप नेचुरल डिजास्टर जरूर पढ़ें. इनसे आपके क्वेश्चन बनने ही बनने. एक क्वेश्चन आपका इससे आ जाएगा. देन कम्स योर ग्रीन हाउस गैसेस, जिनसे 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, जहां पर आपसे गैसेस के बारे में पूछा जाता है मोस्टली. तो ग्रीन हाउस गैसेस आपके लिए जरूरी है. कौन सी गैस क्या इफेक्ट करती है, कौन सी गैस कितनी है, उसका कितना वॉल्यूम है, उससे क्या क्या हो सकता है,
देन कम्स योर क्लाइमेट चेंज. देखिए क्लाइमेट चेंज से आपके क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके के बनते हैं. इसमें आपका आ सकता है कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, आपसे कोई इंपॉर्टेंट डे पूछ लेते हैं लाइक अर्थ डे इस साल कहाँ है, उसका थीम क्या होगा, वाटर डे क्या था, कब था, उसका थीम क्या था. आपसे थीम पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं व्हेन वॉज द वाटर डे, व्हेन वॉज द अर्थ डे. तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है. Then comes your topic polity and higher education. तो polity and higher education में आपको कुछ ही चीज़ों में ध्यान देना है. इसमें आपके ये specific section है जिनसे question आते हैं. First of all, ranking of universities and colleges. आपकी इस साल की ranking आ गई है, ध्यान रखिएगा 2019 MHRD की ranking आ गई है. आपसे एक या दो question ज़रूर आएंगे universities या colleges को लेके, तो आप ये point ज़रूर पढ़ के जाएँ. आपके 2 से 4 marks पक्के हो जाते हैं because ranking ज़रूर आएगा. Then comes your value education. तो value education में आपसे पूछ सकते हैं what are the features of value education, मैच द फॉलोइंग, या फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सा वैल्यू एजुकेशन का फीचर नहीं है, तो ये आप ज़रूर पढ़ें. देन कम्स योर अवार्ड, जो कि आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, दादा साहेब फुल्के अवार्ड. तो आप दादा साहेब फुल्के अवार्ड ज़रूर पढ़ के जाएँ जो रिसेंट वाले हैं. देन कम्स योर पॉलिटी पार्ट. इन पॉलिटी पार्ट देर इज कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, CM, PM, एन इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ऑल अमेंडमेंट्स, कमीशंस एंड कमिटीज. आपका ये जो पार्ट है पॉलिटी का, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं. लास्ट ईयर आपको कमीशंस एंड कमिटीज से आया था क्वेश्चन. मोस्टली आपको क्वेश्चन आता है बहुत लाइक इनसे, DPSP एंड अमेंडमेंट से. आज आपको शेड्यूल से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर कोई रीसेंट अगर लॉ आया है या रीसेंट कोई चेंज आया है, दे कैन आस्क यू फ्रॉम दैट सेक्शन ऑल्सो. तो ये आपके था. सो दिस वॉज योर ICT and environment and polity and higher education. So your 7th section is logical reasoning. तो आपके logical reasoning से जो question आते हैं वो बहुत ही direct आते हैं, and आपके कुछ specific topic है जहाँ पर आपको question मिलेंगे. So these topics are syllogism, Venn diagram, types of arguments and reasoning, important definitions like analogy, lexical, superlative. तो अगर आप यहाँ पर देखें logical reasoning में, first is syllogism. तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आपके 2 तरीके के आते हैं, जहां पर आपको वेन डायग्राम का यूज करना पड़ता है, या फिर आपको लॉज पता होना चाहिए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्ट्री किसे कहते हैं, सब कॉन्ट्ररी किसे कहते हैं, कॉन्ट्ररी किसे कहते हैं, सबोल्टन किसे कहते हैं. आपके इन चीजों से बन जाते हैं एटलीस्ट 2 questions. तो ये टॉपिक्स आपके बहुत जरूरी हैं, सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम. तो ये आपको पढ़ना है. देन कम्स टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. इसमें आपको पूछ सकते हैं प्रिसिशन के बारे में, इसमें आपसे पूछ सकते हैं प्रपोजिशंस के बारे में लाइक आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं. रीजनिंग का पार्ट है ये आपका. देन कम्स इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस लाइक एनोलॉजी. एनोलॉजी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपका हर साल क्वेश्चंस आते हैं. आपको एक एग्जांपल दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, आपको पूछा जाता है ये किसका पार्ट है. तो ये आप प्रिपेयर ज़रूर कर लें, आपका एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा. देन कम्स योर डेफिनेशंस लाइक लेक्सिकल, सिपुलेटिव, प्रिसिशन, कॉजल. तो आपको ये चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी है. आपका लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, आपके 5 questions यहीं से बन जाते हैं जो कि आपका मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है. देन कम्स योर मैथमेटिकल पार्ट. आपके मैथमेटिकल पार्ट में भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बिकॉज ऐसे 3-4 ही आपके कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ के जाने हैं. फर्स्ट वन इज नंबर सीरीज. आप नंबर सीरीज हर साल देखेंगे, आपको बस टिप्स में फॉर्मूले होने चाहिए कि किसमें कौन सा अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है, कब आपको टेबल का यूज करना है. तो नंबर सीरीज से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है. देन कम्स योर कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा. आपको मे बी नंबर वाइज कोडिंग दी हो या फिर आपको दिया हो ABCD की फॉर्म में. देन कम्स योर ब्लड रिलेशन. आपके ब्लड रिलेशन अब थोड़ा टफ आने लग गया है, इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. फॉर योर मैथमेटिकल पार्ट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज अगर आप ये डेली सॉल्व नहीं करेंगे 2 से 3 questions, यू कांट सॉल्व दिस सेक्शन ईजिली. इसमें आपके लेटर सीरीज भी आती हैं. तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल पार्ट जहाँ से आपके 5 questions बनते हैं. देन कम्स योर 9th and 10th पार्ट जो आपको डेली ही सॉल्व करना है बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में जब तक आप मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं लगाएंगे यू कांट सॉल्व इट बिकॉज विदाउट सॉल्विंग द प्रैक्टिस पेपर्स आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व नहीं कर सकते. और इसमें आपके लास्ट ईयर पेपर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बिकॉज आपको पैटर्न पता चलता है. यू विल सी द पैटर्न.
जो कि आपको सिर्फ लास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू ही पता चलता है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ इस चीज में. देन कम्स योर कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी आपके मॉक टेस्ट पेपर ही चलेंगे, बिकॉज दीज टू सेक्शंस नीड प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस यू कांट सॉल्व दीज टू सेक्शंस. जब तक आपको नहीं आएगा फ्लो में कि कैसे सॉल्व करे जाते हैं, किस टाइप का पैटर्न है, किस तरीके का क्वेश्चन है, यू कांट सॉल्व दीज टू सेक्शन. सो यू नीड मॉक टेस्ट पेपर्स, यू नीड लास्ट ईयर पेपर्स फॉर दीज टू सेक्शंस. नाउ वी कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ अवर वीडियो, दैट इज द स्ट्रैटेजी. आप कैसे प्रिपेयर करें 60 डेज में आपका पेपर. तो पहले 40 डेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद टीचिंग एप्टीट्यूड. जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करने, एंड यू हैव वन वीक फॉर एवरी टॉपिक. सो फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड यू हैव वन वीक. सो आपको एक वीक अच्छे से अपना टीचिंग एप्टीट्यूड को देना है. आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, आपका सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, आपको सारे पढ़ने हैं. देन वन वीक इज फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड. Then one week is for communication. Communication बल्कि आपका जल्दी भी हो सकता है because questions come very directly. So आपका एक week उसके लिए हो गया. Then comes computers. आप या तो चाहे यहाँ पर communication में थोड़ा कम time लेके आप वो time अपना computers में भी दे सकते हैं because computers काफ़ी vast topic है, but still आप अगर दोनों को manage कर पाएँ 12 days में आप easily कर पाएंगे. Then comes your polity and environment, that is one week. Then comes your हायर एजुकेशन, दैट इज वन वीक. तो अगर आप ये टॉपिक्स 40 डेज लगाएं इनमें वन वीक करके, तो आप इजीली अपना प्रिपेयर कर सकते हैं नेट का पेपर. देन कम्स दीज टॉपिक, दीज फोर टॉपिक्स. ये आप चलिए ये आपके 6 टॉपिक्स हो गए जिसमें आपने वन वीक दिया है. देन कम्स योर दीज फोर टॉपिक जो कि आपको डेली पढ़ने हैं, बिकॉज डेली बिना पढ़े आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो अगर ये टॉपिक्स आप डेली सॉल्व करें तभी आपका नेट क्लियर हो सकता है, बिकॉज ये टॉपिक्स में आपका फ्लो तभी आएगा अगर आप डेली एक एक क्वेश्चन लेके दो क्वेश्चन लेके सॉल्व करें. डेली आप DI का अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप मैथमेटिक्स के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस आप लॉजिकल रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप अगर ये भी प्रिपेयर करते जाएंगे वन वीक करके, यू कैन इजीली क्रैक UGC नेट एग्जाम. तो आपको बस क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली. आपको ये चारों टॉपिक के दो दो क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं. तो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर योर नेट एग्जाम. एंड लास्ट 20 डेज आपको क्या करना है, लास्ट 20 डेज आपको रिविजन करना है, प्लस आपको लास्ट ईयर पेपर्स का रिविजन भी साथ साथ करना है, बिकॉज उनसे आपके 50-60 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. देन कम्स योर मॉक टेस्ट पेपर ऑल्सो, बिकॉज विदाउट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स यू कांट क्रैक UGC. आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप अपने माइंड में चीज लाएंगे नहीं कि आपको इतने से इतने टाइम लिमिट में चीज़ें सॉल्व करनी है, बिकॉज यू नीड टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड. आपको ये चीज़ आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा. यू हैव ओनली 1 आवर. पहले हमारे पास 90 मिनट्स होते थे, अब आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं. उसके लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको टाइमर सेट करना बहुत जरूरी है कि अगर आप 60 मिनट्स में वो सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं. कितने बच्चों के साथ ये भी होता है कि उनको आता होता है बट उनका एग्जाम छूट जाता है बिकॉज टाइम का शॉर्टेज हो जाता है. तो सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दैट इज रिविजन, बिकॉज विदाउट रिविजन आप नहीं कर पाएंगे. जब तक आप ये टॉपिक्स पढ़ के इस साइकिल को कंप्लीट करके आप दोबारा से रिविजन नहीं करेंगे, यू कांट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट, बिकॉज बहुत कोर्स है आपका, आप क्वेश्चन डेप्थ में आते हैं. देन आपको लास्ट ईयर पेपर्स भी रिवाइज करने हैं जिनसे आपका ये रिविजन पार्ट और स्ट्रांग हो जाएगा. उसके बाद आपको लास्ट में मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं जिससे आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर योर UGC नेट NET exam June 2019. Thank you for watching the video, and it is very important to stay updated with the current affairs to crack UGC NET exam. इसीलिए मैं भी daily newspaper पढ़ती थी, but now I have subscribed to some YouTube channels for latest updates. Similarly, you can also subscribe to our channel for latest updates, and don't forget to press the bell icon. Thank you.